तो हेलो गाइस, की हाल चाल? बढ़िया सब। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस, आज का जो रैम चैलेंज है ये कोई भाई ऐसा वैसा रैम चैलेंज नहीं है, ये अब तक का भाई सबसे हार्ड चैलेंज रहने वाला है अपनी इंडियन कार के लिए। बिकॉज जो रैम चैलेंज है ना गाइस, ये असल में जो रैम्प है ये बनाई गई है भाई स्पोर्ट्स कार के लिए, आप बोल सकते हो लाइक लैम्बोर्गिनी और बुगाटी वगैरह के लिए। पर आज हम इस पर अपनी इंडियन कार को टेस्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी भाई अपनी इंडियन कार है वो इस चैलेंज में मतलब विनर होगी। फिलहाल तो मैं आप सभी को फटाफट से जो अपना ये रैंप है ना वो एक बार ही दिखा देता हूँ। तो गाइस, जो अपनी कार है उनको भाई यहाँ से मतलब स्टार्ट करेंगे और फिर इधर की तरफ जाना है और फिर आगे दो पवन चक्कियाँ लगी हुई है, इनको पार करते हुए उनको लैंड करना है इस प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद फिर यहाँ से गाइस आगे जाना है। और भाई सब देखो गाइस, मतलब यहाँ से भी आगे जाना है, यहाँ और आगे जाना है और भाई इस पर गिरना है, फिर उसके बाद यहाँ से सीधा बहुत लंबी रैंप है गाइस। तो मतलब मैंने बताया ना गाइस आप लोगों की जो रैंप है ना भाई ये स्पोर्ट्स कार के लिए बनी है और जो फाइनल अपना जो मतलब आप बोल सकते हो जो फिनिश लाइन है वो ये है। मतलब देख रहे हो कितना हार्ड है, यहाँ पे आके कार को भाई लैंड करना है। तो देखना अब ये होगा कि कौन सी कार है जो ये चैलेंज को मैं मतलब जीतने वाली है। फिलहाल तो यहाँ पे मेरे को ये इम्पॉसिबल ही चैलेंज लग रहा है। अब वो तो हम जब प्रैक्टिकल खुद हम करेंगे तब भी पता लगेगा कि ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं। फिलहाल जब स्पोर्ट्स कार ने मतलब कर लिया तो हो सकता है अपनी इंडियन कार भी कर ले। अब वो चीज़ देखने के लिए गाइज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो सबसे पहले बारी है वो है अपनी महिंद्रा बुलेरो कार की और देखेंगे क्या ये महिंद्रा की बुलेरो कर पाएगी नहीं। फिलहाल तो जो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो चैलेंज है ना वो है भाई वो दो पवन चक्किया। अगर वो दो पवन चक्की अगर जिस भी कार ने पार कर ली ना तो उसके जीतने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ से हमें बूस्टर मिल चुका है गाइस और ओ भाई साहब, बुलेरो की गाइस किस्मत तो काफ़ी बढ़िया थी, मतलब पवन चक्की से तो नहीं टकराई, पर यार क्या करे इसकी स्पीड इतनी कम थी कि वो रैंप पे जंप ही नहीं कर पाई। और फिलहाल तो जो अपनी महिंद्रा की बुलेरो है वो काफ़ी स्पीड से नीचे गिर रही है और मेरे को नहीं पता है सच्ची में अभी क्या होने वाला है इसके साथ में, बस उम्मीद है सब कुछ बढ़िया ही हो। ओ भाई साहब गाइस, भाई अपनी महिंद्रा की बुलेरो का हाल क्या हो गया है, और जबकि भाई एकदम सीधी लैंड हुई थी ज़मीन पे उसके बावजूद भाई इसका बोनट बम्पर विम्पर सब गया गाइस। ओ भाई साहब, मतलब काफ़ी ऊंचाई से यार गिरे थे, मेरे को तो वो लोकेशन भी नहीं दिख रही गाइस, देखो भाई कितने ऊंचाई पे है वो। गाइस अभी हम वापस आ गए हैं अपनी रैंप पे वापस और आपने देखा ना भाई महिंद्रा बुलेरो के साथ में मतलब क्या हाल हुआ था। फिलहाल तो जो अपनी नेक्स्ट कार है वो है भाई इधर की लाइन में और ये है भाई अपनी फोर्ड की एंडओवर है। और कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि फोर्ड की एंडओवर का कलर चेंज करो तो मैंने इसको भाई ग्रीन कलर का कर दिया है। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना ये वाला कलर आप लोगों को कैसा लगा। फिलहाल तो यार जितने भी बार हम वीडियोस बनाते हैं ना उतनी बार ही गाड़ियों के कलर अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल तो अपनी जो फोर्ड की एंडओवर है काफ़ी स्पीड से यहाँ से जा रही है, अब देखना ये होगा कि क्या ये भाई पार कर पाएगी। और भाई सब, ओ गाइस भाई फोर्ड की एंटी ओवर ने करके दिखा दिया यार, मेरे को तो लगा भी नहीं था। तो फिलहाल तो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। और भाई पवन जब ओ यार गाइस गलत टाइम पे यार मैं आया बिल्कुल, मतलब मैं मेरी भी उसमें कोई गलती नहीं है वैसे यार देखा जाए तो, क्योंकि जो पवन चक्की है भाई वो गोल गोल घूम रही है और वो कभी भी आ सकती है। फिलहाल तो यहाँ पे जो कार की किस्मत के ऊपर आज काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है ये सिचुएशन, बिकॉज आप देखो गाइस मतलब बहुत ही हार्ड है। फिलहाल तो अपनी एंड ओवर काफ़ी स्पीड से नीचे गिरी है और इसमें तो उतना कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, जितना डैमेज हुआ था वो ऊपर पवन चक्की में टकराने से हुआ था, तो उसका बोनेट वगैरह जा चुका है आगे से। और बाकी तो ओवरऑल जो अपनी कार है वो ठीक ठाक है, मतलब भाई चल रही है बढ़िया है, हेडलाइट फूट गई हैं और शीशे भी उसके टूट चुके हैं। तो फिलहाल तो उसको यहीं पर छोड़ते हैं और बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कार की तरफ। तो ओके गाइस अभी हम फिर से वापस आ गए हैं और अभी इस वाली लाइन में से बारी है भाई अपनी हुंडई की क्रेटा की, तो देखते हैं हुंडई की क्रेटा भाई कर पाती है नहीं। फिलहाल तो यार अभी तक कोई भी कार मेरे को हालांकि अंदर से मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि यार जो रैंप है ना वो सच्ची में गाइस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और आप लोगों ने भी देखा होगा जो अपना जो फिनिश लाइन है ना वो काफ़ी दूर है और वहाँ तक जाने से पहले इतने बड़े बड़े चैलेंजेस है भाई कार के आगे, तो बहुत ही रियर ही कोई कार ऐसी रहने वाली है जो कि इस चैलेंज में पार कर पाएगी। और भाई साहब अपने हुंडई की क्रेटा तो अलग ही लेवल पे है, मतलब भाई उसने सीधा भाई पवन चक्की पे ही लैंड कर दिया, मतलब पवन चक्की से बोली कि मैं तेरे ऊपर आ रही हूँ और भाई तू आगे मेरे को पहुँचा देना, पर पवन चक्की भी क्या करेगी भाई, वो तो उठा के फेंक देगी ना नीचे क्योंकि वो तो गोल गोल घूम रही है, वो किसी की नहीं सुनती है। और यहाँ पे गाइस
ये क्या हो गया भाई अपनी होंडे की क्रेटा के साथ में। हेलो, मैंने तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ओ भाई, इसका व्हील व्हील सब टेढ़ा हो गया है। अभी कैसी हो गई है अजीब सी कार। ओ गाइस, यहाँ पे क्या हो गया भाई अपनी होंडे की क्रेटा के साथ में। यार ऐसा तो मैंने भाई फर्स्ट टाइम ही देखा है। मतलब इतनी खतरनाक क्यों, कोई भी कार मैंने आज तक कभी डैमेज नहीं देखी है अपनी इंडियन कार। बहुत सारे चैलेंजेस में डैमेज खाई है, पर ऐसा डैमेज भाई किसी ने भी नहीं खाया है भाई। कतई इसकी बिल्ड क्वालिटी की क्या ही बात की जाए, मतलब एक नंबर है भाई साहब। भाई इसका टायर वगैरह भी मुड़ गया क्या, चलने की हालत में है क्या? तो देखते हैं गाइस क्या ये चलेगी। ओके, तो चल तो ठीक रही है, पर भाई साहब इसका व्हील मुड़ गया है, और अगर हम इसको ज़्यादा चलाएंगे तो आई थिंक ये टूट भी सकता है। तो फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो ओके गाइज, अभी हम फिर से वापस आ गए हैं, और अभी इस बारी बारी है भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 की। तो देखते हैं यार जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो S10 है, क्या वो भाई ये चैलेंज कर पाएगी। फिलहाल तो यार यहाँ पे अभी तक मतलब ऐसी कोई भी कार नहीं है यार जो कि मतलब गई भी हो। दो तीन कार हम टेस्ट कर चुके हैं, पर अभी तक कोई भी कार भाई फिनिश लाइन तक तो छोड़ो मतलब यही नहीं पार कर पाई है। हालांकि फोर्ड के एंडोवर ने कर लिया था, पर उसकी किस्मत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिलहाल तो जो अपनी स्कॉर्पियो है, और भाई साहब वो भाई लैंड हो जाए यहीं पे। ओ भाई साहब, तो गाइस यहाँ पे अपनी जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो S10 है वो भी यहाँ पे फुल स्पीड से नीचे गिर रही है, और मेरे को अब नहीं पता है कि इसके साथ में क्या होने वाला है। आई थिंक ये पानी में गिरेगी या फिर बीच पे, तो आई थिंक ये बीच पे गिरने वाली है, और बस इसकी लैंडिंग सेफ हो जाए। ओ भाई साहब, गाइस इतने ऊंचाई से गिरी है ना भाई कार जमीन पे। गिरने के बाद भाई उसने दो टिप्पे खाए हैं, मतलब भाई फुटबॉल की तरह जैसे बॉल होती है ना, उस टाइप से भाई इसने दो टिप्पे खाए थे। और भाई इसकी हालत तो देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंभीर हालत हो गई है। एक तरफ से तो पूरी ख़त्म है, हालांकि इधर वाली साइड इसकी सेफ बच गई है, पर उधर से तो भाई साहब पूरी कार जो है वो एकदम से बुरी तरीके से क्रैश हो रखी है। तो फिलहाल तो भी गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो ओके गाइस, अभी हम फिर से वापस आ गए हैं, और अभी बारी है अपनी टोयोटा लैंड क्रूसर की। तो देखते हैं टोयोटा की लैंड क्रूसर भाई क्या कमाल दिखाने वाली है, और देखना तो बनता है। बिकॉज़ यार मेरे को आज जो चैलेंज है ना, मेरे को खुद लग रहा है कि यार मैं ये चैलेंज भाई मैंने क्यों ही रखा है अपनी कार्स के लिए, क्योंकि यार अपनी इंडियन कार इतनी प्यारी प्यारी कार्स है और उनके साथ में ऐसा हो रहा है, ये चीज़ मेरे से देखी नहीं जा रही है। क्या ये कर पाएगी? लो, करने की तो छोड़ो, पवन चक्की ने भाई इसके मुंह पे चमाट मार दिया है खींच के, और बोली तू ये चैलेंज नहीं कर सकती है, मेरे हुए तो तू बिल्कुल भी ये चैलेंज नहीं कर सकती है। और यहाँ पे जो अपनी टोयोटा की लैंड क्रूजर फुल स्पीड से नीचे गिर रही है, और भाई साहब ये तो कब्रिस्तान में आके गिरी है। ओ, और भाई किसी की कब्र पे चढ़ी हुई है। तो इससे पहले कि इसका भूत निकल के हमें पीटे, हम जो अपनी कार को लेके यहाँ से निकल लेते हैं। और पता है अच्छी बात तो क्या है ना, अच्छी बात तो गाइस ये है कि जो अपनी कार है ना उसमें उतना कोई डैमेज भी नहीं हुआ, मतलब इतनी ऊंचाई से गिरी भी पर डैमेज भी कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल तो इसको अभी हम यही कहीं साइड पे छोड़ देते हैं। ओ भाई, तो ये आंटी जी की लक काफ़ी बढ़िया था, बच गई, अदरवाइज ये अपनी गाड़ी के आगे आके चटनी बन सकती थी इनकी गाइस। तो फिलहाल तो यार जो अपनी टोयोटा की लैंड क्रूजर में भाई इतना कोई डैमेज नहीं हुआ है, जबकि इतनी ऊंचाई से गिरी थी। तो मानना पड़ेगा यार कि जो टोयोटा की कार है ना भाई, उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इन गेम, ठीक है, रियल लाइफ से बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करना गाइस। आप जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ कार्स के बारे में, तो वो आप रियल लाइफ से बिल्कुल भी जजमेंट मत करना, ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। तो फिलहाल तो जो अपनी फालतू की जो ज्ञान है वो हम फिर कभी आपको देंगे, और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो ओके गाइस, अभी हम फिर से वापस तो आ गए हैं, और अभी बारी है सबकी प्यारी और सबकी दुलारी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 की। तो देखते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 क्या करके दिखाने वाली है। फिलहाल तो मेरे को ज़्यादा इससे कुछ इतनी उम्मीद नहीं है, बिकॉज़ यार ये कार तो काफ़ी बढ़िया है, पर स्पीड के मामले में थोड़ा सा मान सकते हैं कि यार जो कार है ना इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है भाई। और यहाँ पे ओ भाई, ओ लो, मतलब यार भाई ये पवन चक्की है ना गाइस, क्या ही बताओ, किसी भी कार को जीतनी नहीं दे रही है यार। बोलिए पहले तो मेरे से भिड़ो, उसके बाद आगे जाना। अब इनसे भिड़ने के चक्कर में क्या हो रहा है ना कि अपनी जो कार है ना भाई वो रास्ता भटक जा रही है, और वो फिर साइड में चली जा रही है। और यहाँ पे जो अपनी, ओ भाई साहब, अबे नहीं गाइस, अपनी स्कॉर्पियो S11 के साथ में तो बहुत ही बुरा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज भाई साहब ये कार तो ख़त्म हो गई है बिल्कुल भाई, टीन का डब्बा बन चुकी है पीछे से।
ओ भाई साहब, और आगे से देखते हैं। अच्छा आगे से तो भाई बढ़िया दिख रही है, मतलब आगे से ऐसी है ठीक है। वो होता है ना गाइस कि बाहर से बिल्डिंग तो अच्छी दिखती है, पर जब उसके अंदर जाओ तो वो कैसी ही होती है। उस ऐसे ही सीन कुछ अपनी कार के साथ भी हुआ है। आगे से तो बढ़िया दिख रही है, पर पीछे से भाई एक रिक्शा होता है ना, ऑटो होता है, उससे भी बुरी हालत हो रखी है इसकी। तो फिलहाल तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो ओके गाइज, अभी हम फिर से वापस अगेन ऊपर आ गए हैं और आ चुके हैं, और इस बारी बारी है किसकी भाई, कौन सी कार है ये, जीप कंपस। तो गाइज इस बारी बारी है जीप कंपस की, तो देखते हैं भाई अपनी जो जीप कंपस है वो क्या कमाल धमाल हमें दिखाने वाली है। फिलहाल तो यार अभी एक भी कार ऐसी नहीं है जो कि यार मतलब इस चैलेंज को उसने बाखूबी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हो। ज़्यादातर कार्स तो मतलब यहीं पे उन्होंने दम तोड़ दिया। और भाई साहब गाइस ये पवन चक्की है यार, सच्ची में यार बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान कर रही है। ये जो भी गाड़ी इधर से जा रही है ना, इन दोनों में से एक ना एक उसके भाई थप्पड़ तो खींच के मार ही दे रही है, और वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार होता है कि गाड़ी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। और भाई साहब वो पूरी तरीके से मतलब पूरा जो अपना कंट्रोल खो देती है, मतलब वो थप्पड़ की जो गूंज इतनी तेज पड़ती है ना भाई इन कार्स के ऊपर कि इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और ये अपने ट्रैक से भटक जाती है। और यहाँ पे बात की जाए इसकी डैमेज की, तो यार बहुत ही ज़्यादा डैमेज तो हो गई है, मतलब इतनी भी डैमेज नहीं हुई है। आगे से बम्पर इसका जा चुका है, और ये वाला साइड का शीशा वीशे टूट गया, और ये पीछे से भी थोड़ी सी डैमेज हो गई है। तो फिलहाल तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। ओके गाइज, अभी हम वापस आ चुके हैं और फिर से ऊपर रैंप है, और इस बारी बारी है महिंद्रा XUV 700 की। अब देखना ये है कि महिंद्रा की जो XUV 700 है क्या ये कर पाएगी। आप लोगों को क्या लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर से बताना। फिलहाल तो उतनी उम्मीद, अब मेरे को सही बताऊँ तो यहाँ पर मेरे को ज़्यादा इन कारों से उम्मीदें लग नहीं रही है। ये जो रैंप चैलेंज है इसको हम, मैं सोच रहा हूँ कि गाइज अपनी जो स्पोर्ट्स कार है ना उनके साथ में एक बारी ट्राई ज़रूर से किया जाए, और देखेंगे ये कि भाई जिस ये महान व्यक्ति ने ये रैंप बना के हमें दी है ना, अब देखना ये होगा कि स्पोर्ट्स कार से भी मतलब ये पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बता सकते हो, और मैं उसके ऊपर जल्दी आप लोगों को वीडियो ला दूंगा कि अपनी जो स्पोर्ट्स कार है वो ये वाला रैम चैलेंज कंप्लीट कर पाई है या नहीं। फिलहाल तो डैमेज की बात की जाए तो भाई इसका बम्पर बोनेट बोनेट मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है आगे से, और साइड से भी काफ़ी, साइड से तो नहीं हुई है डैमेज, नहीं हुई है भाई ये वाले जो दोनों गेट अंदर की तरफ दब गए हैं, और पीछे से तो ठीक ठाक है बिकॉज मतलब पीछे से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये जो बोनेट और बम्पर इसका काफ़ी बुरी तरीके से जा चुका है, और साइड के ये दोनों दरवाजे भाई पिचक गए हैं, तो इसमें काफ़ी लंबा खर्चा बैठने वाला है अपनी महिंद्रा XUV 700 में। फिलहाल तो जो अपना खर्चा है हम वो बाद में करेंगे, और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। ओके गाइस, अभी हम वापस आ गए हैं, और अब की बार बारी है भाई इनोवा क्रिस्टा की, और इनोवा क्रिस्टा से यार मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है बिकॉज ये कार भाई अभी लास्ट वाली वीडियो में भी हार गई थी, और अब मैं सोच रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ भाई जो चैलेंज में हारती आएंगी ना उनको मैं हटाता जाऊँगा बिकॉज़ यार क्या ही बोलूँ, मतलब ये गाड़ियाँ भाई मैं रखता तो इसीलिए हूँ कि भाई जो अपनी कार है वो जीत जाए एटलीस्ट, पर फिर भी यार लो मतलब मैंने क्या बोला था गाइस, कितनी स्लो स्पीड है यार इसकी भाई गेम के अंदर। हालांकि रियल लाइफ में तो काफ़ी बढ़िया भागती होगी, फिलहाल तो मैं मतलब कभी इसके अंदर बैठा तो हूँ पर मैंने कभी चला ही नहीं है। फिलहाल तो जिसके पास होगी वो मेरे से बेहतर जानता होगा, मेरे पास तो भाई है नहीं। फिलहाल गेम के अंदर तो काफ़ी स्लो चलती है ये। वाह भाई इसका तो मुंह टूट गया, अरे भाई इसका इंजन गया गाइस, इसका इंजन जा चुका है। स्पीडोमीटर दिख रहा है ना आपको, रेड रेड ब्लिंक हो रहा है भाई, ये क्या कार बन गई है। हेलो अबे भाई साहब ये अजीब ही हो गई है यार, इसकी नाक ऐसी होती है ना भाई पिचक सी गई है, इसकी नाक पिचक गई है अपनी कार की, और भाई इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इससे पहले कोई भाई बेवड़ा आगे इसमें टक्कर मारे अपनी जो कार है ना उसको हम थोड़ा साइड में खड़ी कर लेते हैं बिकॉज, और भाई पीछे की तरफ हो रही है अपनी XUV, यार XUV इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होती, ये वाली का तो भाई अजीब ही हाल हो रखा है। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि जो इसका हाल है ना इसको देख के आपको हंसी आई या नहीं। मेरे को तो काफ़ी तेज़ हंसी आई पर मैंने कंट्रोल कर लिया भाई, क्योंकि मैं अपनी किसी भी कार की बेइज्जती कराना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल तो गाइज अभी नेक्स्ट कार की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइज, अभी भाई सेकंड लास्ट कार की बारी है, और ये है भाई अपनी महिंद्रा की थार 2021।
तो मेरे को महिंद्रा की थार से थोड़ी सी यहाँ पे उम्मीद लग रही है, बिकॉज इसका भाई गेम के अंदर थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा मेरे को लगता है, क्योंकि इसका स्पीड और पिकअप है ना, मतलब पिकअप इसका ठीक ठाक है। तो अभी देखो आप भाई। और भाई पवन यार गाइस, आज अपनी इंडियन कार की किस्मत यार वाकई में ख़राब है, मतलब कोई भी कार की किस्मत भाई इतनी अच्छी नहीं रहेगी यार जो पवन चक्की से बच के जा पाए। फिलहाल तो जो अपनी वो है क्या बोलते हैं महिंद्रा की थार है फुल स्पीड से नीचे गिर रही है, और मेरे को नहीं पता है अब इसके साथ में क्या होने वाला है, और कुछ ही सेकंड में हमें पता लगने वाला है। और भाई गाइस इसका भी इंजन गया, अबे इसके इंजन में तो आग लग गई यार। ओ भाई साहब ये तो ये अच्छा है कि भाई वो है ना आग बुझाने वाला, वो मैं अपने साथ में लेके चलता हूँ, वरना अदरवाइज अपनी सारी गाड़ी है ना भाई ब्लास्ट हो जाए। फिलहाल तो इसको फटाफट से बुझा देते हूँ, क्योंकि यार इसका अगर इंजन फट गया ना तो अपनी गाड़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कार के अंदर मेन भाई उसका इंजन ही होता है, मतलब जिसके अंदर अगर जान ही नहीं होगी फिर भाई वो खाली उसका ढांचा रख के भी हम क्या करेंगे। और ऐसा ही कुछ सी अपनी कार्स के साथ में, अगर भाई उनका इंजन ही ख़त्म हो जाएगा तो भाई हम गाड़ियों के फ्रेम को रख के क्या उनका अचार डालने वाले हैं क्या भाई साहब। तो फिलहाल तो यार इसकी आग बुझ ही नहीं रही है, और कहीं ये फट ना जाए प्लीज़ यार बुझ जा। और जो अपना भाई वो है ना आग बुझाने वाला, ये भी मतलब ख़त्म ही होने वाला है। तो फाइनली गाइस जो अपनी आग है वो तो यहाँ पे बुझ चुकी है, और भाई इसकी छत तो गई है पूरी तरीके से, मतलब काफ़ी गंदे तरीके से यार ये मतलब पूरी कार जो थी ना उल्टी होके गिरी थी, मतलब भाई पूरी उलट गई थी, और देखा ही होगा आपने कितने गंदे तरीके से गिरी है। फिलहाल तो गाइस अभी बढ़ते हैं अपनी जो लास्ट कार है उसकी तरफ। तो ओके गाइस अभी बारी है भाई अपनी लास्ट कार की, और ये है भाई अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर। तो देखते हैं यार टोयोटा की फॉर्च्यूनर कर पाएगी या नहीं। फिलहाल तो आप क्या ही बोलूँ यार, अभी तक यार कोई भी कार ये चैलेंज नहीं जीती यार, ये चीज़ मेरे को देख के ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, बिकॉज मेरे को लगा था कि यार जो रैंप है ना वो मतलब इतनी भी हार्ड नहीं है, आई थिंक से अपनी जो कार्स है वो कर लेंगी। और एक पवन चक्की क्रॉस कर गई, पर ये दूसरी पवन चक्की पे लैंड करा, और भाई साहब अब अपनी जो फॉर्च्यूनर है इसके साथ में क्या होने वाला है गाइस वो तो आप सभी को पता है। फिलहाल तो देखना ये होगा कि क्या ये कार भाई बच पाएगी, क्या इसके इंजन में आग लगने वाली है, क्या ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस क्या होगा, ओ भाई मेरे को तो लगा था इसका भी इंजन जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ये भाई इसका पिछवाड़ा टूट गया है, इसका मतलब पीछे से काफ़ी गंदे तरीके से यहाँ पे डैमेज हो गई है, और आगे से तो इतना कुछ खास इसमें डैमेज हुआ नहीं। फिलहाल तो गाइस अभी क्या ही कर सकते हैं यार, अपनी आज सैड लाइफ हमें बोलना पड़ेगा, बिकॉज यार अपनी कोई भी इंडियन कार आज ये चैलेंज नहीं जीती है। और हाँ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों को इसको ये वाली जो रैंप है इसके साथ में स्पोर्ट्स कार की देखनी है, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना, मतलब अपने पास लैम्बोर्गिनी बुगाटी और भी बहुत सारी कार हैं उनके साथ भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और बाकी आज का चैलेंज यही है कि गाइस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में RIP लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ हैं चैलेंज हार चुकी है, और कुछ गाड़ियाँ तो भाई मर भी चुकी है, जैसे कि अपनी इनोवा क्रिस्टा थी और अपनी महिंद्रा की थार थी, ये दो कार ऐसी थी जिनके इंजन में आग सी लग गई थी और इसका इंजन मर चुका है बुरी तरीके से। तो बस गाइस आज की वीडियो भी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से अच्छी लगेगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करते हुए जाना, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।